हेलो स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आई एम बीएल गुप्ता। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द क्वेश्चन आंसर ऑफ योर लेसन होली। बिफोर टुडे आई हैव सेंट यू द करेक्टर स्केच ऑफ दिस लेसन होली। हर नेम वॉज सुलेखा। आई हैव taught you in my pre-video and sent you the character sketch of this lesson. So now let's start without wasting your time. If you write any character sketch in your well handwriting, you will get full marks in the board examination. So my best wishes to all the students for board examination. You have to learn it, you have to write it again and again for your board exam. My best wishes to all the students, and I am always with you. If you have any complaint or suggestion for me, and I will cooperate you. You have to comment me on my video. तो what did तहसीलदार suggest to रामलाल? तो देखिए इस लेसन में बच्चों ये बताया कि तहसीलदार ने रामलाल को क्या सजेस्ट किया था। तहसीलदार came to रामलाल's place to perform the opening ceremony of the primary school. तहसीलदार जो थे वो रामलाल के गांव में बच्चों क्या करने आए थे, एक प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने आए थे, ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए थे। गर्ल्स का स्कूल वो गांव में खुला हुआ था। अब ही सजेस्टेड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल। उन्होंने रामलाल को ये सुझाव दिया कि अपनी पुत्रियों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजो। व्हाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल? भोली स्कूल जाने में क्यों झिझक रही थी? होली वॉज हेजिटेटेड स्कूल जाने में क्यों झिझक रही थी? क्योंकि शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज ए लाइक। क्यों जानती नहीं थी कि स्कूल होता क्या है? व्हेन शी रिसीव्ड ए क्लीन ड्रेस, जब उसको एक साफ ड्रेस प्राप्त हुई, शी वॉज बाथड एंड हर ड्राई, जब उसको नहलाया गया और उसको सूखे बालों में तेल डाला गया, तब उसको बिलीव विश्वास हुआ कि सी वॉज गोइंग टू बेटर प्लेस, कि वह एक घर से ज़्यादा अच्छे स्थान पर जा रही है। बच्चों हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। अंत में भोली अपने पिता को क्या सांत्वना देती है? अंत में भोली अपने पिता को सांत्वना ये कहते हुए देती है कि ही शुड टेक बैक हिज मनी फ्रॉम दिसंबर, कि उसका विवाह जिस दिसंबर नाथ व्यक्ति के साथ हो रहा था उससे वो पैसे वापस ले लेने उसे चाहिए। सी सेड दैट, उसने ये भी कहा कि नीड नॉट गेट मैरिड, अब उसे विवाह करने की जरूरत नहीं है। शी अजर्ड हिम, उसने अपने पिता को ये विश्वास दिलाया कि सी वुड हेल्प हर इन देयर ओल्ड एज, कि वह अपने माता पिता की उनकी वृद्धावस्था में मदद करेगी। लास्ट टाइम हाउ डज भोली फर्स्ट डे, पहला दिन स्कूल में कैसा बीता? भोली एंजॉयड द फर्स्ट डे इन द स्कूल, भोली ने पहला दिन बहुत ही आनंददायक तरीके से बच्चों व्यतीत किया। शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज, वहाँ पर उसको अपनी उम्र की अन्य लड़कियों को देख करके भरी वो खुशी हुई उसको। द कलर्स ऑफ द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, दीवार पर जो कलर्स पिक्चर लगी हुई थी मेड हर हैप्पी, उन्हें देख करके वो बहुत खुश हुई। हर टीचर वॉज ऑल्सो लवेबल टू हर, और उसकी टीचर भी बहुत ही प्यार से उसको पढ़ाती थी और बहुत ही उसकी बात का ध्यान रखती थी। हकलाती थी भोली तो उसको बहुत ही टाइम टू टाइम वो गाइड करती थी। उसकी टीचर बहुत कोऑपरेटिव थी और उसको भी अच्छी तरह से मन लगा उसका। बाद में उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ बच्चों, और उस सभी उसकी इस इम्प्रूवमेंट को देख करके आश्चर्यचकित रह गए उसके माता पिता, और गांव वाले भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये लड़की जो कुरूप थी, जिसके स्मॉल पॉक्स मार्क्स चेहरे पर बने हुए थे, इसकी वजह से ही विशंबर नाथ ने उसके पिता से 5,000 रुपये जो मांगे थे कि मैं तुम्हारी पुत्री से तभी विवाह करूंगा जब आप मुझे 5,000 रुपये देंगे। तब उसने वो भी प्रस्ताव उसका मान लिया था, और लेकिन बाद में जा करके भोली को ये पता पड़ा कि ये तो बहुत ही ग्रीडी और कवार टाइप का व्यक्ति है, तो उसने अपने पिता से मना कर दिया कि मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी, आप मनी बैग कर लीजिए इससे और हमारा रिश्ता समाप्त कर दीजिए, मैं विवाह नहीं करना चाहती, मैं आपकी आजीवन सेवा करूंगी। तो ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे बच्चों। तो ये भोली जो थी वो 7 बच्चों में सबसे छोटी पुत्री थी उसकी, किसकी? रामलाल नंबरदार की। तो ये बात आपको जब लेसन को पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने करेक्टर स्केच बताया है और उसको भी देखिए आप,
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।